कि गोपी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, इतना अधिक प्रेम करती है गोपी, कि वह अपने और श्री कृष्ण के मध्य में किसी को सहन नहीं करती, और ये प्रेम का स्वभाव होता है, ये प्रेम का स्वभाव है। एक है प्रेमी और एक है प्रेमास्पद, अथवा ऐसा कहें एक है प्रेमी और एक है प्रेम पात्र, कुछ भी कह लो, ये दो हो गए। अब आप हैं और ये दास है, बीच में कोई आएगा तो व्यवधानी तो बनेगा कि नहीं, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वै न समाए। प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वै न समाए, दो की जगह नहीं। तो गोपी कहते ही उसको हैं जो अपने और श्री कृष्ण के बीच में किसी को सहन न करे, न पति को सहन करे, न पुत्र को सहन करे। और महाराज ये तो भगवत प्रेम है, वस्तुतः प्रेम कहलाने के योग्य यही है। संसार में भी जो प्रेम करते हैं वो तीसरे को बीच में पसंद ही नहीं करते, हमारे उनके बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। संसार में भी ऐसा होता कि नहीं होता? जबकि संसार में प्रेम है ही नहीं, केवल मनुष्य का स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार, और वह व्यवहार भी केवल वासना पूर्ति का व्यवहार। उस वासना पूर्ति के व्यवहार को दुर्भाग्य से, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उसने प्रेम संज्ञा दे दी है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम माने साक्षात परब्रह्म परमात्मा, प्रेम माने साक्षात श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप है भगवान, मूर्तिमंत प्रेम है, सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही प्रेम है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें।